सब्सक्राइब करिए मिस्टीरियस अर्थ हिंदी को और बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हर देश के अपने कानून होते हैं जो नागरिकों की सुरक्षा और न्याय के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन हर देश में कुछ न कुछ कानून ऐसे भी जरूर होते हैं जो अपने आप में अजीबोगरीब और फालतू किस्म के होते हैं, जिसे जान के आपका सर चकरा जाएगा। उसी में से एक देश है पाकिस्तान, जिसके अजीबोगरीब कानूनों की पूरी दुनिया में निंदा की जाती है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में। अनपढ़ भी बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। इस देश में पीएम या प्रेसिडेंट बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी स्कूल में चपरासी की नौकरी करने के लिए आपको एजुकेटेड होना बहुत ही जरूरी है। डबल सवारी पर मनाही पाकिस्तान का यह कानून भी इसके और कानूनों की तरह ही मजेदार है। दरअसल पाकिस्तान में कई छुट्टियों के दौरान पीछे की सीट पर सवारी बैठाकर गाड़ी चलाने पर प्रतिबंधित है। पाकिस्तानी अधिकारी इस कानून के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला देते हैं। कुछ शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन है इलीगल, कुछ अरबी शब्दों जैसे अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी का अंग्रेजी अनुवाद करना पूरी तरह से इलीगल है। आर्मी में नहीं शामिल हो सकते हैं ट्रांसजेंडर। यहाँ ट्रांसजेंडर का आर्मी ज्वाइन करना मना है। आपको बता दें कि इस देश में इन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। पाकिस्तानी इजराइल नहीं जा सकते। पाकिस्तान अपने किसी भी नागरिक को इजराइल जाने के लिए वीजा नहीं देता है और न ही इजराइल की करेंसी पाकिस्तान में मान्य है। इस वजह से कोई भी पाकिस्तानी यहां से सीधे इजराइल नहीं जा पाता है। दरअसल पाकिस्तान की नज़र में इजराइल देश है ही नहीं, इस वजह से यहां जाने के लिए पाकिस्तान वीजा ही जारी नहीं करता और न ही वह इजराइल को नक्शे में दिखाता है। बिना आज्ञा के किसी का फोन छूने पर है 6 महीने की जेल। यहाँ किसी के परमिशन के बिना फोन छूना इलीगल है, इसके लिए आपको 6 महीने जेल की सजा भी हो सकती है। अब किसने किसका फोन छुआ है यह सिर्फ फोन के मालिक के ऊपर है कि वह किसका नाम लेता है। पाकिस्तान में साक्षरता दर केवल 50% है और आज हम आपको इसके अनेक कारणों में से एक कारण भी बता देते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट की पढ़ाई पर साल में 2 लाख से ज्यादा का खर्च बैठता है तो उसे 5% टैक्स भरना भी पड़ता है। देश के प्राइम मिनिस्टर का मजाक नहीं उड़ा सकते। पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने पर अगर आप पकड़े गए तो आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कानून वहां के खोखले लोकतंत्र और मीडिया के अधिकारों की भी पोल खोल देता है। चुराया हुआ कानून, यह बात हम नहीं बल्कि यह तो खुद वहाँ के कानून निर्माता कहते हैं। पाकिस्तान के बनने के बाद जब वहाँ पर नागरिक कानूनों को बनाने की बारी आई तो तब के तत्कालीन कानून निर्माता ने सीधे सीधे इंग्लैंड और वेल्स के कानूनों को जोड़कर पाकिस्तान के लिए कानूनों का निर्माण कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी विद्वानों के अनुसार उस समय पाकिस्तान में इस लायक लोग ही नहीं थे जो पाकिस्तान कानूनों का नए सिरे से निर्माण कर सके। गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े गए तो हो जाएगी जेल। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आप शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ नहीं रह सकते, यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब ऐसे हालातों में तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रमजान के 1 महीने बाहर खाना है सख्त मना। रमजान के पाक महीने में घर के बाहर कुछ भी खाना इलीगल है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, तब भी इस नियम को मानना जरूरी है। इस नियम का मजाक उड़ाते हुए खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे लिए मजहबी सब कुछ है और किसी की भूख कुछ भी नहीं, जबकि खुदा ने भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा मजहब बताया है। किसी का मेमे बनाना आपको भेज सकता है जेल में। पाकिस्तान सचमुच एक गंभीर देश है और यह इतना गंभीर देश है कि किसी का भी मजाक उड़ाना आपको जेल भेज सकता है और आप पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। पाकिस्तानी साइबर कानून के अनुसार आप ऑनलाइन किसी भी तस्वीर के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते और न ही इसका मेमे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।